नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हो सकता है शुरू। 3 SH और 1 BY का कल मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए फीस हुई निर्धारित। BLED में अब 10 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। सूबे में 27 अगस्त तक भारी बारिश का है अनुमान। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कल से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हो सकते हैं शुरू। लंबे समय के इंतजार और तमाम कयासों के बाद आखिरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का औपचारिक रूप से ऐलान आज होना है और इसी के साथ कल से बिहार में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो सकता है। बताते चले कि लंबे इंतजार के बाद अब यह चुनाव भी लंबा जाने वाला है। बिहार में पंचायत चुनाव इस बार 11 चरणों में कराया जाना है, जो कि परिणाम आने के साथ ही दिसंबर तक चलने वाला है। जिन हिस्सों में बाढ़ का प्रभाव ज्यादा है, वहां अंतिम चरणों में वोटिंग होगी ताकि कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर मतदान कर सके। कल से अगर नामांकन शुरू होता है तो इसके बाद उम्मीदवारों को भी नामांकन भरने के लिए लंबा समय मिलने वाला है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिसूचना निकलने के बाद आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगा। IIT धनबाद ने जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए निकाली भर्तियां। बिहार से सटे राज्य झारखंड में जॉब पाने का सुनहरा अवसर आया है। IIT धनबाद ने जूनियर असिस्टेंट के लिए रिक्तियां निकाली है, जिसमें कुल 73 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, 55% के साथ ग्रेजुएशन, 40 वर्ड पर मिनट के साथ इंग्लिश टाइपिंग और 35 वर्ड पर लिमिट के साथ हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। वहीं उम्र सीमा अधिकतम 30 साल तक निर्धारित है। वहीं चयन प्रक्रिया स्क्रीनिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जरिए होगी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जा सकते हैं। वहीं इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जा सकते हैं। सूबे में 27 अगस्त तक भारी बारिश का है अनुमान। बिहार में इन दिनों मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 27 अगस्त तक ऐसा ही हाल रहने वाला है और मानसूनी ट्रफ लाइन के प्रभाव से कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, दिल्ली, बरेली, गोरखपुर, दरभंगा, जलपाईगुड़ी होते हुए उत्तर पूर्व असम की ओर से गुजर रही है। वहीं एक चक्रवाती असर अब दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट के पास समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर तक स्थित है। इसके प्रभाव से राज्य में अच्छी बारिश हो रही है। इस दौरान 24 घंटों के अंदर पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने से हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं ट्रफ लाइन के प्रभाव से उत्तर बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल आदि जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार है। 3 SH और 1 BY का कल मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। बुधवार यानी कि 25 अगस्त को बिहार की जनता को 4 नई सड़कों की सौगात मिलने वाली है। इन 4 सड़कों में 3 स्टेट हाईवे है तो वहीं 1 बाईपास सड़क है, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने वाले हैं। समारोह की सारी तैयारियां बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कर ली है। इनमें से पहली सड़क भोजपुर में बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा SH 102 है, जिससे पटना बक्सर के लोगों का सफर आसान होगा। दूसरी सड़क अमरपुर अकबर नगर SH 85 है, जिससे भागलपुर, मुंगेर और बांका के साथ ही उत्तर बिहार का संपर्क अच्छा होगा। तीसरी सड़क घोगा पंजवारा SH 84 है तो वहीं चौथी सड़क बिहारीगंज बाईपास उदाकिशनगंज है, जो कि मधेपुरा एवं सुपौल जिलों के लिए सफर को आसान बनाएगा। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए फीस हुई निर्धारित। कल से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन कराने का सिलसिला शुरू हो सकता है। उम्मीदवार चरणवार अपने नामांकन दर्ज करा सकेंगे। वहीं नामांकन के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा फीस को भी निर्धारित कर दिया गया है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 1,000 रूपए लगेंगे, जबकि जिला परिषद पद के लिए 2,000 रूपए देना होगा। ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रूपए शुल्क लगेंगे। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग को इसमें कुछ छूट भी दी गई है। इनके लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित किए गए शुल्क की आधी राशि देनी होगी, यानी कि इन्हें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 500 रूपए, जिला परिषद के लिए 1,000 रूपए तथा ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 125 रूपए शुल्क के रूप में देना होगा। झंझारपुर कोर्ट में जज ने सुनाया अनोखा फैसला। आरोपियों को अक्सर सुधारने के लिए जेल या फिर आर्थिक दंड की सजा मिलती है, लेकिन मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट में बीते दिन एक जज ने बड़ा अनोखा फैसला सुनाया, जिससे आरोपी को सजा भी मिल गई और साथ ही साथ गरीब बच्चों का उद्धार भी हो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन झंझारपुर कोर्ट में ADJ अविनाश कुमार ने एक बंदी को जमानत देने के लिए कुछ शर्तें रखी। शर्त के मुताबिक बंदी को जमानत के लिए 5 गरीब बच्चों को मुफ्त में 3 महीने तक पढ़ाना होगा, जिसका लिखित
प्रमाण उन बच्चों के परिवार वाले से लेकर कोर्ट में जमा भी करवाना होगा। साथ ही शराबबंदी का पूरी तरह से पालन करने की शर्त पर जमानत देने का फैसला सुनाया गया। बताते चले कि वह आरोपी शराब के मामले में ही बंद था। डीएलएड में अब 10 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। डीएलएड सत्र 2021-23 में नामांकन की तारीख का विस्तार कर दिया गया है। इसके तहत अब राज्य के डाइट बाइट और पीटीईसी में डीएलएड सत्र 2021-23 में एडमिशन कराने के इच्छुक छात्र छात्रा 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया 18 अगस्त से ही शुरू थी जो कि 1 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन शोध एवं प्रशिक्षण विभाग निदेशालय ने सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी करके आवेदन की तारीख को 10 सितंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया। आपको बताते चले कि आवेदन भरने व शुल्क जमा करने को लेकर विस्तृत नोटिस और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र के लिए इच्छुक छात्र छात्रा बीएसईबी की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। दूसरे फेज के अभ्यर्थियों की सूची अपलोड नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों पर होगी कार्रवाई। बिहार में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। बावजूद इसके कई जिला, प्रखंड और पंचायत के नियोजन इकाइयों ने दूसरे चरण के चयनित अभ्यर्थियों की सूची को अब तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और 27 अगस्त को एक समीक्षा बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को आदेश जारी कर कहा गया है कि स्थगित हुए काउंसलिंग पूरी सूची कल यानी कि 25 अगस्त तक विभाग को सौंपनी है। वहीं जिन नियोजन इकाइयों ने अब तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची को एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, वे उनसे संबंधित अधिकारियों पर 27 अगस्त को समीक्षा के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी लहर को गंभीर बताते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने किया आगाह। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का समय वैज्ञानिकों ने सितंबर अक्टूबर के वक्त को ही बताया था। ऐसे में इसके खतरे से अभी से ही सावधानियां बरतने को लेकर सरकारें तैयार है। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश में अभी दूसरी लहर के मामले कम हुए हैं, मगर तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसलिए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने और टीका लगवाने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सोमवार को किए गए ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि आगामी त्योहारों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए जनता को अभी से इसके लिए जागरूक रहना है। पटना में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारण में हो सकता है शिफ्ट। पटना के बीटा में 935 करोड़ की लागत से बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन की कमी को देखते हुए इसे सारण में शिफ्ट करने की चर्चा हो रही है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टडी कमेटी ने बीटा में जमीन की कमी होने की बात कही है। हालांकि इस बात पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का अंतिम फैसला राज्य सरकार ही लेगी। सूत्रों के मुताबिक सारण में अतिरिक्त जमीन उपलब्ध है, जिससे वहां समानांतर रनवे बनाने में भी आसानी होगी। वहां दिगवाड़ा के मानुपुर में 600 बीघा व 200 बीघा सैदपुर में आम गैर मजरुआ जमीन भी है, जिससे सरकार को मुआवजा भी नहीं देना होगा। ऐसे में अभी इस पर फैसला आना बाकी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया न होने को लेकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल साल 2019 में कनीय अभियंता की बहाली प्रक्रिया 2 सालों में भी पूरी नहीं होने से अभ्यर्थी खासा परेशान और चिंतित है, जिसे लेकर पटना के वीरचंद पटेल पथ पर आज ये अभ्यर्थी बीजेपी से लेकर आरजेडी ऑफिस होते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के दफ्तर तक कतारबद्ध तरीके से खड़े हो गए। इन सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि ये आयोग द्वारा संचालित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिए थे, जो कि 11 जनवरी 2021 को ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद वेरिफिकेशन, दावा आपत्ति के बाद अंतिम सूची तैयार कर ली गई, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया गया। इस संबंध में छात्रों ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गुहार लगाई थी, जिसमें अगस्त के पहले सप्ताह मेधा सूची जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इतने दिन बीतने के बाद भी जारी नहीं होने पर ये अभ्यर्थी अब सड़क पर उतर आए हैं। पीएम मोदी से तेजस्वी यादव की मुलाकात को आरजेडी प्रवक्ता ने बताया सकारात्मक। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात कई मायने में अहम रही। इस दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी नेताओं की 11 सदस्यीय टीम ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी पीएम से मुलाकात किया, जिसे लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह मुलाकात सकारात्मक रही। जातीय जनगणना की मांग रखने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की आवाज उठाने पर ही इस मुद्दे पर मुलाकात हुई। वहीं पीएम मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव तस्वीर लेने वक्त नौजवानों के आकर्षण का केंद्र रहे।
पशुपति पारस ने हाजीपुर में खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय खुलने की कही बात। बीते दिन केंद्रीय मंत्री सह पारस गुट के लोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने हाजीपुर में जल्द ही खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही, जो अपने आप में भारत का दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केला, लीची और आम की प्रोसेसिंग के कारखाने वहां स्थापित होंगे, जिससे हाजीपुर व आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं यहां पे बंद पेप्सी प्लांट को भी 2 से 3 महीनों के अंदर चालू कराने का भी उन्होंने ऐलान किया। इस दौरान अपने भतीजे चिराग पासवान को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भतीजे ने मुझे छोड़ा है, हमने नहीं छोड़ा। वहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उन्हें घर बुलाकर कहा कि वे नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते हैं। तीसरे टेस्ट से पहले कोहली का जिमिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है। इसे लेकर टीम इंडिया जीत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और लॉर्ड्स के ऐतिहासिक जीत की तरह तीसरे टेस्ट को भी जीतना चाहती है। इस कड़ी में कप्तान कोहली भी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पसीना वो क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि जिम में बहाते नजर आए। कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे जिम में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सचमुच कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बिहार में ताजा अपडेट में मिले मात्र 8 नए संक्रमित। अपने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का असर थम गया है। इसका गवाह हर दिन जारी होने वाले आंकड़ों में नए संक्रमितों की संख्या ही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 88,431 सैंपलों की जाँच की गयी, जिसमे 4 मामले मिले। वही इस दौरान राज्य भर में 8 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वही इस क्रम में 36 लोग बीमारी से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 111 रह गई है। वही रिकवरी दर की बात करें तो यह 98.63% पर पहुंच गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इस बार आने वाले त्योहारों को सार्वजनिक तौर से मनाने पर रोक लगा देना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।